इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मथुरा। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी मथुरा स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णा नगर में 24 से 28 फरवरी 2024 तक श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत चतुर्थ पटाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग एवं परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव के चतुर्थ दिन भक्तों ने ज्ञान कल्याणक की ज्ञान वर्धक क्रियाओं का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी मथुरा स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णा नगर में 24 से 28 फरवरी 2024 तक परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत चतुर्थ पटाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग व परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके चतुर्थ दिन ज्ञान कल्याणक की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। चम चीम 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 द्राम द्रम द्रीम द्रीम द्रवै द्रम ओम नमो रति भगवति श्रीमति पवित्रे जल स्नेप्यामि तितो तं भवर्णिरै चीरवारिपिनोम कै स्थाप्यामि सुज स्थाप्यामि सुजन्मान्तान् जनन् सर्वसिद्धितान्। ओम नमर्ते भगवते श्रीमते श्री पार्थतीर्थंकराय द्वादशांग परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे स्त्रोलोक्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत दर्शाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वंशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वंशंकराय। अभिषेक की क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर आरती की। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया। पूजन के दौरान इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल पर श्रीफल समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। देशाय गुरुभ्य विद्वान भीषी शंकरा अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि आत्रय अत्र समोष्टे आह्वान नन जय हो जय हो जय विद्वान बीसी थंगरा समो अनंतानंद चित परमेश्वर संसार ताप नाशनाय चंदन निरपामति स्वाहा। प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हुए सभी इंद्र इंद्राणियों ने बारी बारी से विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित किए। श्री शिवादी वर्धमान आजना आत्रा अत्र समोष्टे आवानन जय हो जय हो जय हो। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भी अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। ओम ह्रोम परम पूज्य बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमन नमर अंदर खपत प्राप्त जल फलादि महार्घम द्रोपामी। आज चौथा दिन है, आज भगवान का क्या है, आज भगवान का ज्ञान कल्याणक है। तो जब हम लोग जब
तीर्थंकर जब वो लेते हैं दीक्षा तो वह मौन हो जाते हैं और वह किसी से दीक्षा लेते नहीं हैं और किसी को दीक्षा देते नहीं हैं। गुरुदेव को नमन वंदन के बाद श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। तेरी कृपा को गुरुवर मैं कभी भूल न पाऊंगा, तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगा। तेरी कृपा को गुरुवर मैं कभी भूल न पाऊंगा, तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगा। तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाऊंगा। मुझको परवाह नहीं दुनिया क्या बोलेगी, मुझको परवाह नहीं दुनिया क्या बोलेगी, इतना विश्वास मेरी नैया ना डोलेगी, इतना विश्वास मेरी नैया ना डोलेगी। मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को ज्ञान कल्याणक दिवस के बारे में समझाया। हम लोग गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आप तो ध्यान लगाकर बैठ जाओगे, आप तो दो चार दिन तक ना उठो तो चल जाएगा, लेकिन बाकी शिष्यों का क्या होगा। तो आदिनाथ भगवान ध्यान लगाकर बैठ गए, उनके साथ की मुनि भी ध्यान लगाकर बैठे होंगे, क्रियाएं कर रहे होंगे, लेकिन सबका अपना अपना सहनन होता है। कोई व्यक्ति 10 रोटी खा सकता है, कोई एक भी नहीं खा सकता, कोई 10 दिन उपवास कर सकता है, कोई 2 दिन भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वह मुनि नहीं है और वो मुनि के अम्मा पदवे नहीं है, सब कुछ है, सहनन अपना अलग अलग है। आपके 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा पायलट बन जाता है, एक कलेक्टर बन जाता है, एक व्यापारी बनता है, इसका मतलब कि पायलट वाला बच्चा बड़ा बच्चा है, ऐसा नहीं। तो आदिनाथ भगवान जब ध्यान में हो गए तो बाकी मुनि व्याकुल आकुल हुए, इधर उधर भटकने लगे, सारी कहानी आप जानते ही। इतने में आदिनाथ भगवान जब आहार चर्या को निकले, और जब आहार चर्या को निकले तो कोई पलगाहन की विधि नहीं जानता था। कोई कह रहा था धन ले लो, रुपए ले लो। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं को दीक्षा के प्रथम बार महामुनिराज की आहार चर्या कराने का सौभाग्य मिला। और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि बावन साएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। महामुनिराज की आहार चर्या के बाद एक और गुरुदेव ने नवीन जिन बिंबों पर ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं की, तो वहीं दूसरी ओर कुछ श्रावक श्रेष्ठियों ने जिन बिंबों के समक्ष दीपक की स्थापना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भगवान का समवशरण लगाया गया। इसमें गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुदेव की दिव्य ध्वनि खिरी और दिव्य देशना का भक्तों को लाभ प्राप्त हुआ। छोड़ा
यहाँ भगवान का समूह शरण लगा हुआ है, लेकिन यहाँ लोग अशुद्धियां फैला रहे हैं, जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, मैं को नहीं छोड़ूंगा। नमः श्रीदेव्यां, नमः श्रीदेव्यां, नमः श्रीदेव्यां। सेवन वंडर इन वर्ल्ड वट बन जैन धर्म इज इक्वल ऑफ ऑल सेवन वंडर। जैन धर्म से नॉट हाउ मच मनी इन योर बैंक बैलेंस, बट जैन धर्म से हाउ मच कर्म इज योर बैंक बैलेंस। महानुभाव, जैन धर्म कहता है कि पूरे विश्व में 7 आश्चर्य हैं, लेकिन उन 7 आश्चर्यों को मिला दिया जाए तो एक जैन धर्म होता है, कि 7 आश्चर्य एक तरफ हैं और जैन धर्म एक तरफ है। दिव्य देशना को श्रवण करने के बाद भक्तों ने गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। नियोग से जब भगवान के माता पिता पंच कल्याणक में बन जाते हैं, तो उसके बाद अगर भविष्य में जब पंच कल्याणक हों तो उसके अंदर उसको कोई पद जो है, कौन सा पद ले सकता है? माता पिता बनना तो बहुत दुर्लभ है, कई लोग छोटी उम्र में सौदर्भिंद बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि सौदर्भिंद बन गया तो कोई पात्र बन ही ना पाए, ऐसा नहीं है। ये कोई सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गया तो डिप्टी सीएम नहीं बन सकता है। वैसे तो ये भी हो गया महाराष्ट्र में कि जो सीएम था बाद में डिप्टी सीएम भी बन गया महाराष्ट्र में, सबको पता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये उस समय आप भगवान की माता पिता बने थे, वो पंचनाक समाप्त हो गया, उसके बाद में आप पूजा तो करना चाहते हो और पात्र बन के पूजा करोगे तो लोग बोलते ऊपर बैठ जाओ, और पात्र बन के नहीं बनोगे तो भाई नीचे जाओ, नीचे जाओ, 12 पात्रों की जगह है। तो इंसान पूजा भी करना चाहता है, तो माता पिता जो बन गया वो माता पिता द्वारा नहीं बन सकता, ये तो पक्का है। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि उसके भाव हैं और सामने जो गुरु हैं, विद्वान हैं, वो यदि आज्ञा देते हैं तो आप और कोई पात्र बन के पुण्य का अर्जन कर सकते हो। हे गुरुदेव, किसी कार्य को बार बार करने पर भी सफलता नहीं मिलती, ऐसा किस कारण से होता है? उद्यन ही जब पढ़ते हैं कि यदि आप उद्यम करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप गृहिणी हैं, हो सकता है कि जब आपने पहली बार घर में रोटी बनाना चालू करी होगी, सब्जी बनाना चालू करी होगी, जली भी होगी, हो सकता है दो बार जली होगी, हो सकता है। लेकिन आपने रोटी बनाना जब तक बंद नहीं किया, जब तक कि रोटी अच्छी नहीं बनती आई। इसी प्रकार से कार्य को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती जाएगी। कि चलते चलते गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठकर ना चले ये बहुत खराब बात। जिज्ञासा समाधान के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। स्वागत सम्मान के बाद श्रद्धालुओं ने समोशरण का पूजन कर आरती उतारी। आरती की श्रृंखला में प्रतिदिन की तरह संध्या काल को भी भक्तों ने प्रभु एवं गुरुदेव की मंगल आरती कर प्रभु भक्ति का अनुपम आनंद उठाया। आ,
आरती के बाद शास्त्र सभा का आयोजन किया गया। जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है तो उसका नाम है श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि यह एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव ऐसा है कि जिसके माध्यम से हमने पहले दिन बताया था एक पाषाण से एक धातु से भगवान बनने की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होते हैं। जिसमें एक पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है इसलिए श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे जैन धर्म का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ आयोजन है। महानुभाव श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम बेला में हम लोगों ने गर्भ कल्याणक के माध्यम से समझा कि जब बालक गर्भ में होता है 6 महीने पूर्व से ही क्या होने लगती है, क्या होने लगती है, रत्नों की वृष्टि होने लगती है और 9 महीने बाद तक होती है, कुल मिलाकर के 15 महीने तक क्या होती है, रत्नों की वृष्टि होती है। शास्त्र सभा के साथ ही ज्ञान कल्याणक का समापन हुआ। दर्शकों, अभी आपने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी मथुरा स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णा नगर में आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चतुर्थ दिन यानी ज्ञान कल्याणक की विशेष झलकियों को देखा, जिसमें भक्तों को परम पूज्य प्राकृत ज्ञान के श्री राष्ट्र संत चतुर्थ पटाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस महोत्सव के अगले दिन की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज मथुरा।